हेलो स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि आपको गिवन है कि 1 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये जो 1 ग्राम मिक्सचर इंपॉर्टेंट वर्ड है, और दोनों है तो एक को एक्स मान ले तो दूसरा 1 - x हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस 1 ग्राम के अंदर दोनों के मोल्स इक्वल हैं। आपको बताना है कितने ml ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वही अजम्पशन स्टार्ट करते हैं कि लेट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एक्स ग्राम। सोडियम कार्बोनेट का वेट हम एक्स ग्राम अज्यूम कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा 1 - x ग्राम। नाउ अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा यूज़ करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज 1 - x एंड इट्स मोलर मास इज 84 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज 84 एंड मोलर गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज x एंड इट्स मोलर मास इज 106। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 106 बाय 190। तो दिस इज द वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट हो जाएगा 1 - 106 बाय 190। लेट्स मूव ऑन टू अदर पार्ट, दूसरे पार्ट पे मूव करते हैं। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स सोडियम कार्बोनेट के निकाल लूँ तो मैं इमीजिएटली सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स भी निकाल लूँगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो व्हाट इज़ द गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट इज़ एक्स, 106 बाय 190। नाउ व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट इज़ 106, कैंसिल इट। तो इन दिस वे वी गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 1/190। तो क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, सोडियम कार्बोनेट के भी और सोडियम बाइकार्बोनेट के भी। तो वी कैन से 1/190 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ लेट्स राइट टू इक्वेशन, रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट विद HCl। तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो वी नो दैट सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। देखिए इसका कोफिशियंट 1 है एंड इट गिव्स NaCl प्लस H2CO3। कार्बोनिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, तो इट इमीजिएटली डिकम्पोज टू गिव वाटर एंड CO2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर HCl। सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर HCl, तो इसे HCl कितना चाहिए, 1 मोल ऑब्वियसली। तो 1/190 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर HCl, 1/190 मोल ऑफ HCl। नाउ लेट्स राइट अदर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं तो वी कैन राइट सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, इट रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ HCl टू गिव NaCl प्लस कार्बोनिक एसिड विच डिकम्पोज टू H2O प्लस CO2। नाउ वी कैन राइट दैट कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर HCl, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर HCl, तो वी रिक्वायर 2 मोल्स। सो 1/190 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर HCl, 2 × 1/90 मोल। सो टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर, तो आपको ऐड करना पड़ेगा टोटल मोल्स ऑफ HCl। ये है 2/190 और इससे पहले हमने सॉल्व किया था, तो इससे पहले सॉल्व करके आया था हमारा 1/190। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/190 प्लस 2/190, तो अवर वैल्यू इज़ 1/190 प्लस 2/190, इट इज़ इक्वल टू 3/190 मोल्स। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ HCl। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स पता है और मोलैरिटी ऑफ HCl भी क्वेश्चन में गिवन है कि 0.1 मोलर HCl है।
कितना गिवन है, 0.1 मोलर HCl। तो 0.1 मोलर HCl मेंशन है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास 3/190, मोलैरिटी इज 0.1, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम इन लीटर्स आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इन लीटर्स इज 0.1 नीचे आएगा 190 से, तो इट इज़ अराउंड 3/19। तो जस्ट सॉल्व इट, तो वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी कम अराउंड 0. जब हम 3 को 19 से डिवाइड करेंगे तो योर वैल्यू इज़ अराउंड 0.157। आप डिवाइड करके देख लो तो इट इज़ 0.157। तो यू कैन कैलकुलेट इन मोल्स, तो वॉल्यूम इन मिली लीटर्स आप इसे मल्टीप्लाई करिए 1000 से, तो यू विल गेट 157.8 ml। तो ये थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लेते हैं, योर आंसर इज 157, इट इज़ 7.8 ml। थैंक यू।